क्या काम कर रहे थे दिल्ली में? महाराष्ट्र नांदेड़, तो नांदेड़ तो नामी जगह है, वो तो सिख समाज का वो तो जगह है, नांदेड़ तो ही फेमस जगह। वहाँ क्या कर रहे थे? होटल में काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो क्या दिक्कत हुई वहाँ आप लोगों को? वहाँ पे दिक्कत लॉकडाउन हो गया तो उसके वजह से वहाँ पे दिक्कत हो गया। कोई इंतजाम वहाँ नहीं किया? नहीं, इंतजाम नहीं हुआ। जो भी पैसे थे उसको हम खा लिए। उसके बाद फिर जो बचे तो फिर अपना प्राइवेट गाड़ी करके आए। और हमें सुविधा कुछ नहीं मिला खाने का। वहाँ से प्राइवेट गाड़ी करके आए थे, अपना गाड़ी करके वहाँ से पुलिस स्टेशन गए, बेंगलुरु पुलिस स्टेशन गए। तो वहाँ पे बोला यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ सूची नहीं आया है कि यहाँ से ट्रेन चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वहाँ पे नहीं पता है, इसके वजह से हम लोग को प्राइवेट गाड़ी करके आना पड़ा। कब पहुँचे आप यहाँ? 10 तारीख को पहुँच गए थे। जबकि मई के शुरू से ही रेल गाड़ी लाने का इतना जो बात कर लिया हम लोगों ने, सब जगह से रेल गाड़ी आ रही है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तब भी इन लोगों को ऐसे इतना दिक्कत हुआ साहब? 120 ट्रेन से महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से 120 ट्रेन आ चुके हैं, आज से गुजरात और महाराष्ट्र से 250-300 पार कर चुके हैं, तभी इन लोगों को ऐसी दिक्कत क्यों हुई है एकदम? इसका मतलब है कि उन लोगों ने ठीक से, इसका मतलब किसी को ठीक से गाइड नहीं किया। अगर ठीक से गाइड करता हम तो ये चाहते ही थे कि लोग ट्रेन से आएगा तो सुविधा होगी। ये पता है ना कि ट्रेन के लिए हम लोगों ने इस बात के लिए बहुत आग्रह किया था, और वो ट्रेन का चलना जो शुरू हुआ तो सबसे अच्छा है लोगों के आने के लिए। लेकिन वहाँ इस तरह की दिक्कत क्यों हुई, क्यों आपको आना पड़ा बाई रोड ये? तो कब चले थे वहाँ से आप यहाँ? तो चले कब से थे? 5 तारीख से निकल गए थे वहाँ से। 5 मई को? 8 मई को। 8 मई, जबकि 3 मई से तो, 3 मई से तो ट्रेन आना शुरू हो गया था। हाँ, वो तो आपका सुन लिया, बताए आप बताए कि आपने कोशिश किया, कोई बताया नहीं और तब आपको आना पड़ा। हैं ये तो अभी सुन ही रहे ना, अभी तो आज जितना देख रहे हैं दो लोग ऐसे मिल गए जो महाराष्ट्र में बहुत दिक्कत आने में लोगों को। चलिए, और क्या आपके मन में कोई बात है? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है सर, काम मिल जाए तो बस वही सही है। ठीक ठीक, हम लोग तो उस दिशा में सोच ही रहे। ठीक है, ठीक है डीडी साहब। दोस्तों अंतरिक्ष अधिकारी का मॉडल अफसर का नंबर जब तक इन लोगों को किसी तरह का कोई फीडबैक देना तो हम लोग तक आ गए। इसके अतिरिक्त सर, सभी जो की प्रवासी मजदूरों की रजिस्ट्रेशन के समय ही मोबाइल नंबर लिया जाता है, वो नंबर हम लोग के पास बिल्कुल प्रवासी सर 26,565 है सर। और स्किल मैपिंग के लिए 9,359 लोगों को सर स्किल मैप कराया गया। जिले में क्वारंटीन केंद्र सर अखंड 16 है, वर्तमान में 26,565 रह रहे हैं। इसमें ए कैटेगरी रेडून से आने वाले प्रवासियों की संख्या है वो सर 9,829 है सर, लगातार बढ़ रही है सर। सभी केंद्रों पर, जिले में जितने भी सब केंद्र चल रहे हैं, सभी केंद्रों पर खाने पीने की समुचित व्यवस्था की गई है सर। केंद्रों को देखकर और जोन में फीडबैक लेते हैं, कहीं कोई समस्या है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है सर। ये रिक्वेस्ट हम लोगों ने किया है कि ब्लॉक लेवल पर जो वैकेंसी बनाया है सर, तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जो वाहन लोगों ने खरीदे हैं उन वाहनों का इस्तेमाल सर वो शौचालय छोड़ने में या प्रखंड स्तर से दानी इत्यादि प्रदान कर दिए गए हैं सर। केंद्रों पर वो वहाँ पर सब केंद्र पर काम कराए सकते थे, पेंटर वगैरह से सर उन स्किल लोगों का यूज भी किया गया सर, पेंटिंग वगैरह कराई गई है सर।
इस केंद्र की जो नाम से पाउंड गिटरा स्कूल जैसे ये जगदी स्कूल प्रखंड में पड़ता है और यहाँ सर क्वारंटीन केंद्र की क्षमता 64 है। वर्तमान में सर इसमें 58 लोग आवासीय हैं। इन सभी आप आपका तो भागलपुर सिलाई के लिए मशहूर जगह है, लोग क्यों जाना पड़ता है? आज नहीं, बहुत पहले से भागलपुर का एक्सपोर्ट होता था। हम लोग गए हुए थे भागलपुर का सिल्क सर क्या है मिथिला पेंटिंग होती है मिला करके ही सबको दे रहे हैं बिहार का मॉडल चाहिए। यहाँ से जापान आज जा रहा था कुछ जमाना पर भागलपुर के जो उसमें क्षमता है कॉम्पिटेंस है उसको समझिए और इसके लिए काम करिए। ठीक है।